मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, सिया कहाँ है? और मैं भी तुम्हें आखिरी बार बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि सिया कहाँ है। मुझे मजबूर मत करो, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो शॉन। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, तुम ऐसे ही फ्रीज रहोगी। तुमने मुझे फ्रीज करके अपनी मौत को बुलाया है शॉन। मौत की चिंता मुझे नहीं, तुम्हारी ग्रीन मैजिक मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी शॉन। शायद तुम्हें से कुछ नहीं पता किसी का कहाँ है। जाओ, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। डैनियल अपने हाथ में एक इंजेक्शन लहराते हुए बोला, इस इंजेक्शन में मेरी किस्मत है। आखिर ऐसा क्या है इस इंजेक्शन में? तुम्हारा और भेड़ियों के राजा यानी कि दानिश का सीरम है ये। ये वो सीरम है जो मेरी अनबीटेबल आर्मी को तैयार करेगी। सुनो प्लीज ऐसा मत करो, वरना कयामत आ जाएगी। माफ करना, पर अब मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता। वैसे वो नई नस्ल कौन सी होगी अगर इसका टेस्ट किया गया तो? हाँ, इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान हो। डैनियल ने कहा कि अब बस हमें इस सीरम का प्रयोग किसी इंसान पर करना है। मार्क ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा कि पर हम इसका प्रयोग किस इंसान पर करेंगे? डैनियल ने कहा, ये तो मैंने अभी सोचा नहीं, पर चिंता मत करो, जल्दी हमें कोई मिलेगा जो हमारी इस नस्ल को आगे बढ़ाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करने से। अचानक पूरे लैब में एक अजीब सा धुआं फैल गया। डैनियल ने खांसते हुए कहा, इतना सारा धुआं, कहीं लैब में आग तो नहीं लग गई? मार्क ने खांसते हुए कहा, ये धुआं लैब के पिछले हिस्से से आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। पहले तो डैनियल ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उस लैब में उसके सालों की रिसर्च थी, लेकिन जब बात जान पर आई तो उसने भी समझदारी दिखाई और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। वहाँ से निकलने से पहले डैनियल सिया की याददाश्त मिटाना चाहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो और वो अपने काम को बिना किसी रुकावट के अंजाम देता रहे। वो उसे अपनी लैब के पीछे वाले गोडाउन में ले गया। सिया होश में थी पर उसकी आंखों पर पट्टी होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, डैनियल ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगा, सिया जोर से चीख पड़ी। उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी हुई और इसके बाद सिया वहां से अपने आप बाहर आ गई। काफी रात हो चुकी थी। समायरा और रेहान जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे। वो दोनों सिया के बारे में ही बात करते हुए बस चले जा रहे थे। स्कूल के पहले दिन से ही सिया उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। गुस्से से लाल समायरा ने कहा, मेरा बस चले तो उस चुड़ैल का टेटवा दबाकर उसे मार डालूं। जब से आई थी तब से दानिश से चिपके जा रही थी और आज ये खबर आई कि वो गायब हो गई। सच बताऊं रेहान, तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। रेहान ने कहा, वैसे इस बात से मुझे कोई खुशी नहीं है। चलते चलते अचानक समायरा रुक गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सिया सामने खड़ी थी, वो जख्मी थी। सिया ने कहा, मैं कौन हूँ? ये सुनकर समायरा बहुत खुश हुई। उसने कहा, क्या सिया अपनी याददाश्त खो चुकी है? बेचारी सिया, वैसे देखा जाए तो अब मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं अब इसे यहीं से गायब कर दूंगी और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। रेहान ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। समायरा ने कहा, ओ शट अप, वैसे तुम कब से इसकी चिंता करने लगे? भूलो मत कि तुम एक भेड़िए हो। रेहान समायरा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, तभी अचानक सिया ने अपनी शक्ति से जोर का वाइब्रेशन क्रिएट किया जिससे पूरा जंगल हिल गया। रेहान और समायरा घबरा गए। समायरा ने जोर से चीख कर कहा, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? इसके बाद समायरा की नीयत बदल